जय जिनेन्द्र। हेलो टू एवरीवन। आज मैं पाखरीवाल स्टूडियोज की तरफ से वापस आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ एक नई रेसिपी जो हमारे सीरीज लजीज लम्हे का एक पार्ट है। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ लज्जेदार मैंगो कड़ी। तो आइए उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हम मैंगो लेंगे। मैंगो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं लंगड़ा आम ले रही हूँ, उसके मैंने पीसेस काट के रखे हैं और ये मैंने गुठलियाँ निकाल के रखी है। गुठलियों में काफ़ी मैंगो के पल्प भी है, मतलब प्रॉपर मैंने गुठली पूरा सा स्क्रेप आउट नहीं किया है इसको मैंगो को। और उसके साथ मैं ले रही हूँ दही, बेसन, इमली का पल्प, अमचूर पाउडर, पंचफोरन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है इसका, सूखी लाल मिर्ची, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, नमक, हल्दी, मिर्ची और पानी। तो आइए सबसे पहले मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आम काट के रखा है मैंने और ये गुठलियाँ निकाल के रखी है, तो सबसे पहले हम कड़ी का बैटर रेडी करेंगे। तो ये दही लिया है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली एक कटोरी दही है, इसको मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, बेसन 2 चम्मच होगा। हम कड़ी बना रहे हैं तो दही और बेसन तो बहुत जरूरी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा हल्दी, फिर इसके बाद नमक और ये इमली का पल्प जो मैंने निकाल के रखा है ये पल्प मैं डालूंगी इसमें। इमली को एक्सट्रैक्ट करके इसका जो पानी बचता है उसे मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, यूजुअली कड़ी में हम इमली नहीं डालते हैं लेकिन ये जो डिश है इसमें मैं इमली डाल रही हूँ। इसमें आपको चीनी और गुड़ भी पड़ता है लेकिन अभी मैं फिलहाल चीनी गुड़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो अभी इमली से ही जो मैंगो की मिठास है वो इमली से मिक्स होके खट्टी मीठी फीलिंग आएगी एक खाने में। और इसके साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ जो इमली के साथ मिक्स हो जाएगा। ये लीजिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी। ये हमारा कड़ी का बैटर रेडी है, अब हमें इसे कुक करना है। तो आइए अब हम कड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें मैं तेल डालूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये आरसीएम का हेल्थ गार्ड लिया है मैंने। इसमें सबसे पहले पंचफोरन डालूंगी, पंचफोरन मैं 1 चम्मच डालूंगी। ये तड़कने लग गया, अच्छा से तड़क रहा है एकदम। अब मैं इसमें थोड़ा नीम पत्ता डालूंगी, ये लाल सूखी मिर्ची, ये एक मिर्ची को, हरी मिर्ची को मैंने छोटा कर काट के डाल दिया है। अब मैं इसमें ये बैटर डाल दूंगी, इसे खूब पकाना है। जैसे हम कड़ी बनाते हैं यूजुअली वैसे ही बनेगा, डालते ही बहुत ही अच्छी सुगंध आने लग गई है। बेसन दही मिलके तो कॉम्बिनेशन तो होता ही है बहुत बढ़िया। और ये सभी कड़ी तो बहुत ही पसंद करते हैं लोग, कोई प्लेन कड़ी बनाते हैं, कोई पकौड़ी की बनाते हैं, तो वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं। आज मैं यूनिक चीज बता रही हूँ आपको, मैंगो कड़ी। ये देखिए, ये पक रहा है, धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। मैं आज कम कर दिया क्योंकि तेज आंच में अगर मैं इसे पकाती रहूंगी तो ये आपको बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और फिर बेसन का कच्चापन आएगा आपको। तो अभी ये अच्छे से पक रहा है, इसे हम पकने देते हैं। तड़के का बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, सूखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची डाल के तो और भी बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है।
ये मैं इसको पका रही हूँ आराम से। और इसमें जो हमने इमली और अमचूर डाला था उसका खट्टास भी बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब मैं स्मेल कर पा रही हूँ कि इमली की खट्टास इसकी। ये अब जो थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, तो अब मैं यूनिक बात आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने गुठलियाँ निकाल के रखी थी, मैंगो कड़ी है, तो ये नहीं कि खाली मैं मैंगो डालूंगी, मैं गुठलियाँ डाल रही हूँ उसमें। ये देखिए, ये मैंने पहली गुठली डाली, ये 3 लोगों की सर्विंग है। ये देखिए, ये मैंने 3 गुठलियां इसमें डाल दी है, और अब गुठलियां इस कड़ी के साथ बॉईल होके आम का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। इसे काफी देर तक अच्छे से पकाना है। ये देखिए, इसमें आम का थोड़ा पीलापन भी आ रहा है, हल्दी का पीलापन है, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है इसमें। अभी हमने जिस प्याले में बैटर मिक्स करके रखा था उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें डाल रही हूं, और इसे हम बॉईल करेंगे। अब हम आंच तेज कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे बॉईल होगा। जब तक ये बॉईल हो रहा है, आइए हम कुछ आम के पीसेस काट लेते हैं। ये मैंने जो आम के पीसेस काट के रखे हुए हैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लंबे लंबे शेप में काट रही हूँ, छोटे नहीं काट रही हूँ, ऐसे लंबे डालने में बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आप, कोई जरूरी नहीं है आपको फ्रेश आम लेना, गले हुए आम से भी बहुत अच्छी बनती है कड़ी। ये देखिए, ये मैंने कुछ पीसेस काट लिए हैं, और ये देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है, ब्यूटिफुल। और जो खट्टास की जो स्मेल आ रही है वो तो गजब आ रही है। यूजुअली लोग गुठलियां खाना पसंद नहीं करते हैं, आम खाते हैं गुठलियां छोड़ देते हैं, लेकिन अभी इस कड़ी के साथ आप गुठलियां सर्व करेंगे तो लोग आम खाना भूल जाएंगे, गुठलियां ज्यादा खाएंगे। अब ये उबाल आ गया है, तो आइए थोड़े पीसेस इसमें डाल देते हैं हम मैंगो के। ये मैंगो के पीसेस मैं बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो के पीसेस जल्दी गल जाते हैं, और गुठली के अंदर तक हमें इस कड़ी को घुसाना है, तभी तो उसमें फ्लेवर आएगी गुठली की और कड़ी की मिक्स। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे उबलने देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी उबाल आ रही है। वाह वाह गजब, ये आम के पीसेस में भी अभी कड़ी के अंदर तक घुस गया है। अब मैं इसमें वापस थोड़ा सा नमक डालूंगी, मैंने बैटर में डाला था लेकिन अभी थोड़ा और डालूंगी। ये भी बहुत फटाफट बनता है, इससे समय नहीं लगता बनने में। ये देखिए, ये अभी थोड़ा और गाढ़ा करूंगी मैं।
ये देखिए, ये अभी कढ़ी थोड़ा पतला है, इसे थोड़ा और गाढ़ा होने दूंगी, तो इसे बॉईल आने दीजिए। अगर जल्दी जल्दी हम निकालेंगे हड़बड़ी में तो ये कच्चापन आएगा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। और ये पंचफोरन की स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये काफी गाढ़ा हो चुका है और ये अब मैं कढ़ाई बंद कर दूंगी। अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे, सर्विंग बोल में। तो सबसे पहले मैं ये गुठलियां निकाल रही हूं। ये लीजिए, ये देखिए, ये मैंने 3 गुठलियां इसमें डाली थी, ये मैंने निकाल ली है। और थोड़े आम के पीसेस निकाल रही हूँ। ये हरी मिर्ची डाली थी मैंने, लाल मिर्ची डाली थी, और अब थोड़ी कड़ी निकाल रही हूँ। अब हम इसमें, ये देखिए, लाजवाब, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो आइए, जैसे कि हमारी कड़ी रेडी हो गई है, मैंगो कड़ी, अब हम तड़का लगाएंगे। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें राई डालेंगे। राई तड़कने लगे तो इसमें नीम पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च सब डाल देंगे। फिर हींग डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और हाथों हाथ इसे हम डालेंगे इसमें। ये देखिए कितना सुंदर इफेक्ट आया है, ब्यूटीफुल। आहा, क्या गजब स्मेल आ रहा है। तो ये देखिए, हमारे लज्जेदार मैंगो कड़ी रेडी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब से हमने ये लजीज लम्हे सीरीज स्टार्ट किया है, हमें काफी अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे आए। कई लोगों ने तो मतलब इंस्टेंट बना के मुझे व्हाट्सएप में फोटोज भेजे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है और इससे मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं और भी नई रेसिपीज आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और मैं अपने नए दर्शकों के लिए जो अभी बाकलीवाल स्टूडियो से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे इस लजीज लम्हे की सीरीज का ऐसे एपिसोड ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और ये नया एपिसोड है, आप इसे देखिए और घर में ट्राई करिए। और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज़रूर से शेयर करें। तो आइए अब हम मैंगो कड़ी का मज़ा लेते हैं। इसे आप राइस के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये गुठी मैंने जो डाली है उसे मैं लूँगी एक बोल में, फिर उस पर थोड़ा कड़ी डालूँगी। तड़का तो बहुत ही गजब लग ही रहा है। ये लीजिए, इसको आप राइस के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है लज्जेदार मैंगो कड़ी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जरूर जरूर से मेरे चैनल बाकलीवाल स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे हमें बहुत बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, इसे आपको इस समझिए, लजीज लम्हे की एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में मैंने मैंगो हलवा बनाया था, तो उसमें मैंने कौन सा ऑयल यूज किया है, आप उसे जरूर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।